तो उनको स्पेसिफ़िकली ये समझ आया कि स्मोकिंग जो है वो इतना कुछ भी खास नहीं था जो उनको बचपन में लगता था और ये स्मोकिंग उनको बहुत ही फालतू सी चीज़ लगती थी ऐसी बहुत गंदी सी चीज़ लगती थी और ऐसी चीज़ लगने लगी जो कि एक्चुअली हमारे लिए बहुत ख़राब है तो हार्मफुल भी लगती थी उनको तो उनको फिर ये भी नहीं समझ आया कि लाइक क्यों होता है ऐसा लोगों को क्यों इतना इसका कह सकते हैं कि आदत पड़ जाता है क्यों इतना इसके पीछे वो हैबिट बन जाता है क्यों इतनी लत लग जाती है और उन्होंने ये पाया अपने लाइफ में तो कि मतलब वो किसी ट्रेन कंपार्टमेंट में भी अगर ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे भी कोई स्मोक करने लग जाए तो वहाँ पे भी वो नहीं रह पाएंगे उनको वहाँ पे भी ऐसा सफोकेटेड फील होगा चोक्ड फील होगा बट मो मच मोर सीरियस देन दिस वाज द थेफ्ट आई वाज गिल्टी ऑफ अ लिटिल लेटर आई स्टोल द कॉइन वेन आई वॉज ट्वेल्व और थर्टीन पॉसिबली लेस तो इसके बाद भी उन्होंने और एक बार चोरी की है जिसके बारे में उनको और भी ज़्यादा गिल्ट है इस वाले चोरी से ये तो अभी सर्वेंट से पैसे चुराते थे राइट कि उन्होंने कॉइन्स एंड चुराए थे करीब बारह तेरह साल के करीब और शायद उससे भी कम एज के होंगे लेकिन और एक भी थेफ्ट था जो उन्होंने थोड़ा बड़े होकर किया था जिसके बारे में वो और भी ज़्यादा शर्मिंदा है और बहुत सीरियसली शर्मिंदा है द अदर थेफ्ट वॉज कमिटेड फैन आई वॉज फिफ्टीन तो वो पंद्रह साल के थे तब उन्होंने ये जो दूसरा वाला थेफ्ट है वो उन्होंने कमिट किया था इन दिस केस आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ my ब्रदर्स आमलेट तो उनके ब्रदर्स का जो बाजूबंद टाइप आमलेट जो भी था कहीं कहाँ पे आमलेट एग्जैक्टली आप में ही बांधते थे आई थिंक बाजूबंद ही था तो उसमें से थोड़ा सा गोल्ड उन्होंने चुराया था तो दिस ब्रदर हैड रन इन टू अ डेप्ट ऑफ अबाउट ट्वेंटी फाइव रुपीज ही हैड ऑन हिज आम एंड आमलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू क्लिप अ बिट आउट ऑफ इट तो क्या हुआ ना कि उनके भाई को पच्चीस रुपये की ज़रूरत थी तो इसमें से थोड़ा सा सोना चुराना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं थी उसके आम उनके आमलेट से तो इसीलिए उन्होंने उनके आम से थोड़ा आमलेट सॉलिड गोल्ड जो था वो वहाँ से चुरा लिया वेल इट वॉज डन एंड द डेप्ट वाज़ क्लियर बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फिस इट टू माई फादर तो ये क्या हुआ ना उन्होंने फिर ये वो जो थोड़ा सा सोना था उसको लेके वो जो पच्चीस रुपये बनता था वो उन्होंने चुका दिया लेकिन क्या हुआ उनको वो चीज़ एक उनको ऐसा लगा कि उनको अपने अंदर ना शांति से और मतलब एक सुकून से जीने नहीं दे रहा था कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था तो उन्होंने एकदम सोच लिया कि नहीं बस बहुत हो गया अब कभी मैं चोरी नहीं करूँगा और उन्होंने सोचा कि किसी को तो बताना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ़ उनकी सैनिटी राइट right? क्योंकि हम किसी को भी नहीं बता होता तो हमको और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ऐसे झिझक होती रहती है परेशानी होती रहती है तो उन्होंने सोचा कि वो अपने पिताजी को इसके बारे में बता देंगे और लाइक उनके सामने माफ़ी मांग लेंगे जो भी है बट आई डिट नॉट डेयर टू स्पीक not that i was afraid of my father beating me no i do not recall his ever having beaten any of us i was afraid of the pain that i should cause him but i felt that the risk should be taken that there could not be a cleansing without a confession ki wo nahi chahte the ki unke मतलब अंदर वो बात रहे ऐसा नहीं था कि उनको इस चीज़ का डर था कि उनके पिताजी उनको मार मारेंगे या मारते क्योंकि उनके पिताजी उनको कभी नहीं मारते थे उनको तो नहीं याद कि उनके पिताजी ने उन्हें कभी मारा होगा पर ना कि उन्हें ना कि उनके किसी भाई बहन को किसी को नहीं मारा था तो अब उनको बस इसी चीज़ का चिंता थी कि वो जो उनकी आंखों में जो दर्द होगा कि कहीं ना कहीं मैं मेरे बाप बनने में किसी तरीके की कमी रह गई मेरे सिखाने में किसी तरीके की कमी रह गई वो अच्छा नहीं लगता तो और उनको फील हुआ कि उनको वो क्लैनलीनेस तब तक फील नहीं होगा जब तक वो कन्फेस नहीं करेंगे आई डिसाइडेड एटलीस्ट टू राइट आउट अ आउट द कन्फेशन टू सबमिट टू माई फादर एंड आस्क फॉर इज फर्किवनेस आई रोट इट ऑन अ स्लिप ऑफ पेपर एंड Handed it to him myself. In this, not only did I confess my guilt, but I asked adequate punishment for it and closed with a request to him not to punish my, himself for my offense. I also pledged myself never to steal in future. I was trembling as I handed the confession to my father. He was then confined to bed. His bed was a plain wooden plank. I handed him the note and sat opposite the plank. तो क्या हुआ उन्होंने सोचा कि नहीं मैं बोल तो नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे लिए बहुत डर की बात है तो डर इन देंस मुझे बहुत झिझक होगी तो वो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं अपने पिताजी को लिख के ये कन्फेशन बोल दूँगा तो और फिर उन्होंने उसमें मैं माफ़ी भी मांग लूँगा तो उन्होंने जब वो एक स्लिप ऑफ पेपर में लिखा उन्होंने फिर वो दिया जो उनके पिताजी को उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा था उन्होंने सिर्फ अपनी गलती को कन्फेस नहीं किया था और अपनी गलती नहीं मानी थी उन्होंने उसके लिए एडिक्ट पनिशमेंट भी मांगी थी और ये भी बोला था कि आप अपने आप को प्लीज़ पनिश मत कीजिएगा कि अपने अंदर कोई कमी मत निकालिएगा कि आपकी परवरिश में कोई गलती है और उन्होंने कहा कि मैं आगे से कभी भी चोरी नहीं करूँगा तो वो बहुत ही काँप रहे थे जब उन्होंने वो कन्फेशन अपने पिताजी को देने के लिए वो गए और वो उनका बेड एक प्लैंक ही था मतलब एक मतलब शायद इतने भी अच्छे घर के तो कोर्स नहीं थे वो तो ऐसे गरीब घर के थे तो उनका एक प्लैंक था और उसके साइड में जाके ये बैठ गया और उन्होंने कन्फेशन लेटर दे दिया ही it थ्रू एंड tears trickled डाउन his cheeks, स्वेटिंग द पेपर फॉर अ मोमेंट ही closed हिज आईज इन थॉट एंड देन tore अप द नोट ही हैड सेट अप टू रीड इट ही ले डाउन अगेन आई also क्राइड आई कुड सी my फादर्स एगनी इफ़ आई वर अ पेंटर आई कुड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द होल सीन टुडे इट वॉज़ स्टिल सो विविड इन माई माइंड तो क्या हुआ न कि उन्होंने पूरा उनके पिताजी ने उसको पूरा पढ़ा उनको कहीं ना कहीं एक दर्द सा महसूस हुआ कि मेरा बेटा जो इतना समझदार है और जिसको इतना सब कुछ समझ वो उनके एक मिक्सड ऑफ़ इमोशन थे उनको ये भी बुरा भी लग रहा होगा कि उनके बेटे ने चोरी की लेकिन उनको इतना अच्छा भी लग रहा होगा कि मेरा बेटा कितना अच्छा है कि उसने अपने चोरी का बारे में बताया पनिशमेंट भी मांगा उसको ये भी पता था कि मैं हो सकता है अपने आप को पनिशमेंट दूँ तो इसीलिए उसने उस चीज़ के लिए भी मना किया तो बहुत सारे मिक्स ऑफ इमोशंस हो गए थे और इसीलिए वो कुछ ना करके वो रो दिए और उनकी आंखों से जो आंसू निकले वो उस पेपर को भी भिगा गए फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर कुछ तो सोचा होगा और फिर सोचने के बाद उसको फेंक दिया उसके बाद उन्होंने उसको रख दिया और उनको देख के ये जो गांधी जी थे ये भी रोने लगे क्योंकि वो अपने पिता का जो दर्द था उनका जो चिंता थी या फिर उनको जो फील हो रहा था वो कहीं ना कहीं समझ सकते थे और अगर वो एक पेंटर होते तो शायद वो उसको ड्रॉ भी कर देते उस पिक्चर को क्योंकि वो उनके आंखों के आगे आज भी उतने ही मतलब क्या बोलते साफ तरीके से झलकता है तो दो स्टीयर्स ऑफ लव कलेंड माय हार्ट एंड वॉश्ड माय सिन अवे देन आई कुड रीड इन इट नथिंग मोर देन अ फादर्स लव बट टुडे आई नो दैट इट वाज प्योर अहिंसा व्हेन देयर इज सच अहिंसा इट चेंजेस एवरीथिंग इट टचिस देयर इज़ नो लिमिट ऑफ इट्स पावर तो हम अब समझ सकते हैं कि उन्होंने अहिंसा कहाँ से सीखा उनको कैसे पता चला कि प्यार की भाषा जो होती है उससे बड़े से बड़े वॉयलेंस को भी मतलब प्यार से सुलझाया जा सकता है तो उनको ऐसा फील हुआ कि जब उनके पिताजी रोए और उस अश्रु ने उस आ, मतलब आंखों से निकले हुए पानी के बूंदों ने कहीं ना कहीं उनके जो दिल है उसको भी साफ़ कर दिया था उसके अंदर का मैल था उसको भी धो दिया था और उनके जो पिता का उनके लिए प्रेम है जो उनको इतना अच्छा लग रहा था कि मेरा बेटा इतना अच्छा है वो उस चीज़ को फ़ील कर पा रहे थे और उनको उस दिन समझ आया कि अहिंसा सही में क्या होती है कि किसी के ऊपर अपना कह सकते हैं वर्चस्व दिखाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आप मार दो कुछ चिल्ला दो वो तो एक चीज़ है लेकिन किसी को अपने इमोशंस से अपना बना लो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी चीज़ में नहीं है तो उस चीज़ की अहिंसा की पावर को उस दिन वो समझ पाए और उस वो समझ पाए कि ये जो अहिंसा है ये जिसको भी छूती है उसको कहीं ना कहीं बदल के रख देती है और इसके पावर की कोई लिमिट नहीं है ये लिमिटलेस है उसके बाद आ जाते हैं This kind of sublime forgiveness was not natural to my father. I had thought that he would be angry, say hard things and strike his forehead, but he was so wonderfully peaceful and I believe this was due to my clean confession. A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the pure type of repentance. Repentance. I know that

एकदम शांत सा फर्गिवनेस था अपने बेटे के लिए वो उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके पिताजी इस तरीके से रिएक्ट करेंगे उनको लगा था कि मेरे पिताजी को अपने दिल से जो दर्द होगा उसको वो बयान करेंगे अपने गुस्से से और वो हो सकता है उनको कुछ कटु शब्द भी बोले और अपने अंदर के गुस्से को वो निकालने के लिए अपना सर भी पटकें लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ वो बहुत ही एक अचंभित करने वाली शांति थी जो कि उनके पिताजी ने उनको दर्शाई और ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि इन्होंने जो अपना माफ़ी मांगा था अपना पश्चाताप किया था वो बहुत ही शांतिपूर्वक किया था बहुत ही साफ तरीके से सब कुछ सच्चाई सामने रख दी थी और इस सच्चाई को सामने के रखने की वजह से उनको ये समझ आया कि मैंने जो प्रॉमिस किया है और कि मैं ये गलती वापस नहीं करूँगा तो यही ही सबसे प्योर चीज़ है सबसे ज़्यादा साफ सुथरे तरीके की सबसे पावन तरीके की पश्चाताप है और इसीलिए उनको समझ आए कि वो कन्फेशन जो है उनको अब उनके फादर को भी इस बार में बहुत कह सकते हैं कि अच्छा फील हुआ कि मेरा बेटा इतना सब सोच सकता है इतना ज़्यादा उसके अंदर डीप फीलिंग्स है तो सही में शायद वो कभी और गलती नहीं करेगा और शायद हुआ भी ऐसे ही तो उन्होंने समझ लिया कि उनका बेटा कितना अच्छा है और उनको एक सेफ्टी फील हुई कि मेरा बेटा कभी किसी गलत रास्ते में नहीं जाएगा और इसीलिए उनका प्यार अपने बेटे के लिए हद से ज़्यादा बढ़ गया तो ये लिखा हुआ है ऑफकोर्स मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा उनके अडेप्टशन ली गई है माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ विथ ट्रूथ वाले बुक से उनके ऑटोबायोग्राफी से तो इसी तरीके से होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट आई होप आपको ये अच्छा लगा हो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी अबाउट ट्रूथफुलनेस अबाउट लाइक यू नो एज टीन एज ईयर्स में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं बहुत लोग बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारा फाउंडेशन होता है ये टाइम तो इसी तरीके की स्टोरीज़ हैं जो कि हमको इंस्पायर करती हैं और सही रास्ते पे ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं तो आप आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में